हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में घटाने का नियम बता दिया था और उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी बता दिए थे। आज हम भाजक, भाज्य और भागफल के बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 ले लीजिए और 15 ले लीजिए, तो 6 को अगर 15 को 6 से भाग दे देंगे, 15 को 6 से, 6 दुना के 12, 3 बचेगा। तो ये जो बचा है इसको शेषफल कहते हैं, शेषफल या शेष। ठीक, ये हमारा फल आया है, भाग दिए हैं तो दो गो फल आया है, यानी इसको भाग फल कहते हैं, भाग फल। और जिसमें भाग देते हैं, जिसमें, उसको भाज्य कहते हैं, भाज्य। और जिससे भाग देते हैं, जिससे, उसको कहते हैं भाजक। ठीक, तो मान लीजिए जैसे दोस्तों हमको 15 लाना है, 15 फिर से, तो क्या करेंगे, 6 को 2 से गुणा कर देंगे, 6 को 2 से गुणा और फिर 3 जोड़ देंगे, यानी 6 को 2 से गुणा कर देंगे या फिर प्लस 3 जोड़ देंगे, तो 6 दुना का 12, 3 15 आ गया। इसका मतलब कि भाजक और भागफल को गुणा कर देंगे, भाजक और भागफल को गुणा कर देंगे या 3 शेष जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा, भाज्य। ठीक, तो वैसे ही क्वेश्चन सूत्र बन जाएगा दोस्तों, जैसे भाज्य इज इक्वल टू, यानी 15 किस तरह आएगा, भाज्य इज इक्वल टू भाजक और भागफल को गुणा कर देंगे, भाजक और भागफल, यानी भाजक गुणे भागफल और शेष को जोड़ देंगे, प्लस शेष। ठीक, और देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 15 से भाग देना है 52 को, तो कितनी बार जाएगा, 15 दुगुना 23, 15 तिया 45, 3 बार घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7। ठीक, तो फिर 52 लाना है तो क्या करेंगे, 15 को 3 से गुणा कर देंगे, 15 तिया 45 और 7 जोड़ देंगे, तो यानी भाज्य अगर लाना है, बीच वाला लाना है, तो भाजक को भागफल से गुणा कर देंगे और शेष जोड़ देंगे, भाजक को भागफल से गुणा कर देंगे और शेष जोड़ देंगे तो आ जाएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो देख चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भागफल कितना है, 403, भागफल 403 है, भाजक 100 है, भाजक कितना है, 100, भाजक 100 है, तथा शेषफल, शेषफल कितना दिया है, शेषफल 58 दे दिया है, शेषफल या शेष, तो भाज्य बताइए। तो भाज्य के लिए मैंने सूत्र बताया था दोस्तों कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, यानी भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, प्लस शेष। तो देखिए हमसे पूछा कि भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा, तो भाज्य निकाल लीजिए, भाज्य पूछा है, तो भाज्य इज इक्वल टू भाज्य कितना दिया है, 100 दिया है, भागफल कितना दिया है, 403 प्लस शेष कितना दिया है, 58, तो पूरा कर दीजिए, 403 का पहाड़ा 101 बार, 403 और 2 0, सबसे पहले गुणा करेंगे बड मास में, पहले जोड़ेंगे नहीं, प्लस 58, इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 403 58, यानी 40,358, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, डी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 आता है, भागफल कितना आ रहा है, 11, भागफल 11 आता है, शेषफल 20 प्राप्त होता है, शेषफल कितना आता है, 20। तो भाजक बताइए, भाजक याद कीजिए, तो कह रहे कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर,
तो 1043 यानी 1043 को 1043 बीच में है, यानी इसको बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। अभी मैंने बताया पीछे कि इसको क्या कहते हैं, भाज्य, यानी इसका मतलब कि भाज्य दिया है, कहा नहीं है कि भाज्य है, लेकिन समझना है कि ये भाज्य है, कह रहा है कि इसी को भाग देना है, बीच में रहेगा, तो इसी को भाज्य कहते हैं, बीच वाले को भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। तो भाज्य 1043 दे दिया, तो भाजक पूछा है, तो भाजक के लिए मैंने सूत्र, भाज्य मैंने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो रख दीजिए भाज्य, भाज्य दिया 1043 बराबर भाजक, भाजक पूछा है हमसे कि भाजक, भाजक ज्ञात कीजिए, पूछा है, तो भाजक को इसी तरह ले लीजिए, भाजक गुणे भागफल, भागफल दिया है 11 प्लस शेष, शेष कितना 20 दिया है। सबसे पहले गुणा करते हैं, तो भाजक गुणे 11 निकालेंगे कि भाजक गुणे 11, ये गुणा है, तो भाजक गुणे 11 निकालेंगे तो 20 इधर आएगा, यानी कितना हो जाएगा, भाजक गुणे 11 बराबर 20 इसके पास जाएगा, यानी 1043 माइनस 20, फिर भाजक गुणे 11, भाजक गुणे 11 बराबर 1043 में से 20 घटा देंगे, तो 3 में से 0 घटा 3, 4 में से 2 घटा 2, और 4 में से यहाँ पर 10, ठीक। अब भाजक निकालेंगे तो 11 से भाग हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो और किसी भी संख्या के बीच में गुणा हो, एक निकालते हैं दूसरा नीचे चला जाता है, यानी भाजक निकालेंगे गुणा है तो ये 11 नीचे चला जाएगा, यानी भाजक बराबर 1023 पट्टा में 11, 11 के पहाड़ में एक नहीं आएगा, भाग देंगे 11 से, तो 11 के पहाड़ से 10 में भाग देंगे, नहीं जाएगा 11 के पहाड़ में 102, 11 के पहाड़ से 102 में भाग देंगे, 11 9 99 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 जाएगा 3 के पास, तो 33 हो जाएगा, तो 11 3 33 93, यानी भाजक कितना जाएगा दोस्तों, 93, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, 47 शेष बचता है, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो और एक 195 से भाग दे रहे हैं, तो 195 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 47, तो इसी संख्या को 15 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, ये पूछा है कि शेष कितना बचेगा, तो अब देखिए दोस्तों इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए यहाँ पर क्या करें कि भाग देने पर 47 बच रहा है, तो करें कि इसी संख्या को, इसी संख्या को मतलब कि 47 को ही 47 शेष बचता है, तो इसी संख्या को, इसी संख्या को मतलब इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, यानी 47 को ही भाग दे देंगे हम लोग 15 से, तो 15 से भाग दे दीजिए, 15 3 45, 7 में से 5 घटा 2, कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद दोस्तों।